हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूँ फिजिक्स ज्ञान मुकेश ने चैनल पे। यार बहुत सारे बच्चे के 2023 की जो मार्च की एग्जाम हो चुकी थी उसमें अक्सर ये डेटा मिला है मुझे कि ग्रुपिंग नहीं आ रही थी बच्चों की। नंबर एक। नंबर दो, ग्रुपिंग तो है लेकिन JEE के लिए 75 का क्राइटेरिया है, 75 जो परसेंटेज लगता है उनके भी नहीं आए। ऐसे न्यूज़पेपर पे, टीवी पे ये न्यूज आप लोगों ने भी देखी होगी बच्चों। लेकिन फिलहाल में आपको पता होगा कि इंप्रूवमेंट एग्जाम जुलाई अगस्त में होती है, ओके? और इस दरमियान आपके पास अगर सोचा जाए तो समय बहुत ही कम है, इस समय के साथ आपको चलना पड़ेगा। क्या सर, बहुत सारे बच्चे के कॉन्टेक्ट कर रहे हैं, टेक्निकल टीम से कॉल आ रहे हैं, मुझे भी इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, कहां कहां मैसेजेस है, किसी के पेरेंट्स के फोन से कि सर क्या अक्सर में हम लोग इतने कम समय में क्या हम लोग अभी कर पाएंगे 75? किसी का क्राइटेरिया हो सकता है, किसी को अच्छे खासे नंबर चाहिए। इंप्रूवमेंट एग्जाम किस लिए होती है बच्चों? सबसे मेन प्रॉब्लम इंप्रूवमेंट एग्जाम आपके नंबर परसेंटेज बढ़ाने के लिए। इंप्रूवमेंट सभी सब्जेक्ट में देना पड़ती है, जैसे कि आपके PCMB हो सकता है, इंग्लिश और मराठी, हिंदी, जो भी है 6 सब्जेक्ट है वो देना पड़ती है। दूसरी बात, आपको प्रैक्टिकल भी देना पड़ता है, जैसी 12th की एग्जाम होती है सेम टू सेम होती है। लेकिन सर समय बहुत कम है, समय के साथ क्या हम लोग अभी भी हम लोग स्कोर कर सकते हैं? तो देखो बच्चों, आपकी HSC बोर्ड एग्जाम जो है जुलाई, इसलिए लिखा जानबूझकर जुलाई 2023, क्योंकि इंप्रूवमेंट एग्जाम की बात कर रहे हैं हम लोग। इंप्रूवमेंट रिपीटर हो सकते हैं, किसी बच्चे का पेपर भी बैक रख सकता है फिजिक्स का, उसके लिए मैं टिप्स और टिप्स दे रहा हूं बच्चों। देखो यार, एक मैं आप लोगों को रियालिटी एक कहानी बताना चाहता हूं। एक मेरे पास स्टूडेंट थी जो कि कोटा में थी, JEE में उसका बहुत ही अच्छा स्कोर था। मैं अभी नाम थोड़ा सा बोल नहीं सकता, लड़की ही, इसलिए सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। लेकिन बच्चों उसको फिजिक्स में बहुत ही नंबर कम थे और उसके पापा टीचर थे, उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया, उन्होंने बोला कि सर ये प्रॉब्लम है। तो उनके घर पे जाके होम ट्यूशन जैसे बोलते वैसे थोड़ा सा रिलेशन थे अच्छे, इसलिए चला गया मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बच्चों उन बच्चों को मुझे मतलब नंबर्स ला के देना था फिजिक्स में ओनली कि सर 75-80 तक आना चाहिए। मैंने बोला ठीक है सर। मैंने पहले 2 दिन पढ़ाया बच्चे को तो मुझे लगा यार कहीं ना कहीं बच्चे बहुत ही अच्छी है यार, कर सकती है। तो एक्चुअल में मुझे एक ही टाइम जाना था, मैं 2 टाइम जाके उससे करवा लिया। अच्छा बच्चों आप यकीन नहीं मानोगे, उसको 94 कितना नंबर कितना मिला बच्चों, 94 नंबर, कम नहीं होते बच्चों, 94 आ गए, और वो भी ओनली 35 डेज, बस 35 दिन में ये नंबर ला सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल ला सकते हैं। सर ऐसा क्या जादू किया आपने कि छुमत्तर बोला और हो गया काम? ऐसा तो नहीं होता है भैया, उसके लिए लगती है मेहनत, प्रैक्टिस और ऑनेस्ट रहना पड़ता है। अभी भी अगर आप सोचते हो, मुझे लगता है कि आपकी 26 के आसपास कुछ एग्जाम है, करीब करीब मैं यही मान रहा हूं, आज आपके पास ओनली 35 डेज है, ओनली मान रहा हूं, ठीक है? अगर प्रॉपर प्लानिंग हो, सर सभी सब्जेक्ट है हमारे, हाँ उसके भी सभी सब्जेक्ट है, प्रॉब्लम वो नहीं है बच्चों। प्रॉपर क्या करना है और क्या नहीं करना है ये पता होना बहुत ही जरूरी है। जो बच्चे देखो यार, समय के साथ चलना पड़ेगा तो ही फायदा है, क्योंकि समय के पास इतना समय नहीं कि वो आपको दोबारा दे सके। हौसले के साथ काम करना पड़ता है बच्चों, दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, हौसला और आपका फैसला, है ना? कभी कभी हम लोग फैसला तो लेते हैं बच्चों लेकिन हौसला नहीं होता है अंदर से, कभी कभी हौसला होता है लेकिन फैसला नहीं ले पाते। अभी आपको कम दिन है लेकिन कोई टेंशन मत लेना बच्चों, प्रॉपरली प्लान करो, 100% लिख के दूंगा बच्चों, क्योंकि ये तो वीडियो तो रहने वाला है, ये वीडियो तो डिलीट नहीं करने वाले हम लोग। बाद में आपके एग्जाम होने के बाद भी आप इसके नीचे कमेंट करो कि हां सर हमारे पास हौसला और फैसला था, इसलिए हमने इतने नंबर्स और इतना मार्क स्कोर किया है, ठीक है? बच्चों देखो, सबसे पहले एक टारगेट रखना है आपको, टारगेट बेस पे चलना बहुत जरूरी होता है। 2 मार्क के क्वेश्चंस करो। सर ये 2 मार्क के क्वेश्चंस क्या होते हैं? इतने सिंपल होते, इतने हलवे होते बच्चों, HSC बोर्ड भी हर बच्चों के बारे में सोचता है, जो बच्चा बहुत लो हो, मिडल हो या हाई हो, सब बच्चों के बारे में सोच के पेपर को डिजाइन किया जाता है। और इंप्रूवमेंट एग्जाम में तो पेपर ज्यादा टफ नहीं होता है। हाँ जी, मेरा जो एक्सपीरियंस है वो बता रहा हूं बच्चों, ये कोई ऐसा मतलब, मैं खुद पेपर चेकिंग करना, मॉडरेशन करना हर समय काम करता हूं, और इसीलिए मैं इतना दावे के साथ आपके सामने मैं प्रेजेंट करने जा रहा हूं बच्चों। 2 मार्क के क्वेश्चंस में होता क्या है यार, सिंपल, डिफाइन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, गिव इट्स यूनिट एंड डायमेंशन,
बच्चों इतना सिंपल सवाल, आप यकीन मानिएगा ये सही बोल रहा हूं, ये कोई झूठी कहानी नहीं है। आप समझ पा रहे हो क्या लिखना है बच्चों? सिंपल से पहले डिफाइन लिखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, क्या डिफाइन है ना, डिफाइन पता होना चाहिए। बस यार इसी इक्वेशन के ऊपर डिफाइन है, यस खत्म किस्सा, बस इसकी ये डेफिनेशन बन सकती है, यस है ना। या आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, आई इज इक्वल टू सही में फार्मूला एम वन आर वन स्क्वायर प्लस प्लस डैश एम एन आर एन स्क्वायर। तो क्या बोलोगे बच्चों? द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज डिफाइन एज इक्वल टू, क्या बोलते हैं, इज डिफाइन एज, ये समय बच्चों अंदर प्रोडक्ट है किसका, मास ऑफ पार्टिकल एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। हो गई बच्चों डेफिनेशन, इसी से एसआई यूनिट भी बन सकता है। देखो मुझे बताओ यार मास किस में गिनते हैं? और शक्कर लेने के लिए तो गए होंगे दुकान पे, केजी आर इज द अंतर, डिस्टेंस होता है उसको किस में, मीटर स्क्वायर, खत्म किस्सा। डायमेंशन बोलो बच्चों, देखो एल एम टी लिखा होगा आपने, लेंथ मास एंड टाइम, यस ये डायमेंशन ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। लेंथ है मीटर, मतलब लेंथ, मीटर मतलब लेंथ, मीटर है, देखो ये मास है, टाइम नहीं है जीरो, खत्म किस्सा बच्चों। ये आप लोगों को देखो नंबर्स कैसे मिलते हैं, डेफिनेशन लिखा था एक मार्क, एसआई यूनिट लिखा आधा मार्क, ये इसका डायमेंशन का आधा, दो मार्क मिल गए बच्चों। ये सही में कोई भी क्वेश्चंस पेपर ओपन करके देखो दावे के साथ, बच्चों दावे के साथ बोल रहा हूं, कम नहीं बोल रहा हूं, दावे के साथ ऐसे ही सवाल आपको आने वाले हैं। डिफाइन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, गिव इट्स यूनिट एंड डायमेंशन, डिफाइन द मोमेंट मैग्नेटिक मोमेंटम, या डिफाइन द मैग्नेटाइजेशन, गिव इट्स यूनिट एंड डायमेंशन, या डिफाइन द कोएफिशिएंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या यार इतने हलवे से सवाल है, यकीन मानिएगा। और न्यूमेरिकल भी इतना हलवा होता है यार, कभी कभी तो मुझे लगता है कि पेपर बनाने वाले का मूड ऐसा था कि भैया सबको पास करना है इसलिए पेपर में कुछ क्वेश्चन देते हैं। सही में बोल रहा हूं, कुछ ही नहीं, फार्मूला, बस फार्मूले को आधा मार्क होता है, वैल्यू पुट अप करो। जैसे कि ये देखो मैं अभी लिख रहा हूं यहां पे, मास दिवाला है 2 kg, डिस्टेंस दिवाला था 4, बस हो गया बच्चों 2, ये 16, ये हो गया आपको 32 kg मीटर स्क्वायर। हो गया बच्चों देखो फार्मूला का आधा मार्क, वैल्यू पुट अप की आधा मार्क, आंसर विद प्रॉपर यूनिट 2 मार्क, बस इतना हलवे से 2 मार्क के सवाल होने वाले हैं। तो टेंशन मत लेना बच्चों, बिल्कुल 2 मार्क के क्वेश्चन जितने भी थे उतने सभी सवाल प्रॉपरली कर रहा है, गारंटी के साथ बोल रहा हूं बच्चों। यहां पे आपको याद होगा 16 नंबर मिलने वाले हैं, 16 कम नहीं होते बच्चों, 16 आपको पता है ना, 30 मार्क का प्रैक्टिकल भी है आपका, 30 मार्क का क्या है प्रैक्टिकल है, 16 मार्क आपके ऐसे बनेंगे। इसमें भी ऑफर क्या है, 8 क्वेश्चन सॉल्व करना है, दिए कितने 12, कम नहीं होते बच्चों, समझे क्या, 12 में से 8 करना है, ऑफर है ना, ये करो नहीं तो ये करो। तो मुझे लगता है कि ये आपके 16 मार्क फिक्स होना ही चाहिए कोई भी हालत में, इसके बाद में देखते हैं बच्चों, ठीक है। आप लोगों को यहां पे जो 3 मार्क के क्वेश्चंस के ऊपर बाद में टारगेट करना है, 3 मार्क के क्वेश्चंस में डेरिवेशन अच्छी तरह से करो, हम लोगों ने बहुत ही अच्छी तरह से यूट्यूब पे डेरिवेशन बना के रखे है, छोटे छोटे 10-10 मिनट का वीडियो भी बना के रखा है। डिफाइन द कोनिकल पेंडुलम, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम, यार इतने हलवे से सवाल क्या बोलना था? मतलब आप लोगों को है ना डायग्राम ड्रॉ करो, अच्छी तरह से सोचना चालू करो। जैसे कि देखो कोनिकल पेंडुलम का 3 मार्क का क्वेश्चन आ गया, बस आपको एक रस्सी लेनी है, ये रिजिड सपोर्ट लेना है बच्चों, बस इसको हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल सर्कल समझते बच्चों, एक टेबल फैन होता है और एक सीलिंग फैन होता है, सीलिंग फैन हॉरिजॉन्टल सर्कल, वर्टिकल फैन आपका जो टेबल फैन है बच्चों, बस इसी को थोड़ा सा डायग्राम ड्रॉ करते समय नॉलेज का इस्तेमाल होना बहुत ही जरूरी है। अब इसको घुमा रहा हूँ, ऐसे लिया मैंने, ऐसे 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 घुमा रहा हूँ बच्चों, यहाँ पे कुछ कोन तैयार कर रहा है इसलिए इसका नाम कोनिकल पेंडुलम होगा, करेक्ट है ना बच्चों? तो ये सर्कल का रेडियस है, कौन से बच्चों सर्कल है ये हॉरिजॉन्टल सर्कल है, ऐसा जो घूम रहा है, मेरा बॉब घूम रहा है, बॉब, ये बॉब है, बॉब है तो मास है, और मास का वेट होता है नीचे। अरे बावड़ा ने समझते क्या बाबा? ओके सिंपल है ना, वेट नीचे होता, मार्कर नीचे क्यों आ रहा बेटा? वेट के कारण। टेंशन होता है रस्सी का अवे, टेंशन समझते ना, स्ट्रिंग टाइट होती है, टाइट, यस। इसके 2 कंपोनेंट है, एक ये कंपोनेंट, एक ये कंपोनेंट। सर क्यों, मुझे बताओ यार, कोई बंदा 10 न्यूटन से इधर खींच रहा है, कोई इधर खींचा, मैं यहां चले जाऊं आपके तरफ या राइट के तरफ, ना इधर ना इधर, मैं बीच में से जाऊंगा, क्योंकि 10 न्यूटन इधर से फोर्स लगा, 10 न्यूटन इधर से, लेकिन मैं जाने वाला हूं यहां, तो ये रिजल्टेंट टेंशन है बच्चों, टेंशन एक्चुअली ये दोनों तरफ है, बट ये रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट टेंशन है।
तो ये थीटा, तो ये थीटा अल्टरनेट एंगल बोलते हैं। देखो झड़ डायग्राम के अंदर वाले एंगल को अल्टरनेट एंगल कहा जाता है। झड़ डायग्राम देखो, झड़ एक नहीं है, दिख रहा है ये, ओके, या यन भी बोल सकते हो। हम लोग झड़ इसलिए बोलते हैं क्योंकि झड़ ऐसे निकालते ना, बस इसको सीधा कर दिया, ओके। जिसके साथ थीटा वो कॉस थीटा, जिसके साथ नहीं थीटा वो साइन थीटा। बच्चों क्या इस तरीके से आप सोचोगे तो श्योर शॉट आप लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अभी पूरे तरीके से सॉल्व करके देने वाला नहीं हूं मैं, 3 मार्क बाद में आपके मालूमात के लिए। अगर आपने 2 मार्क के क्वेश्चन किए तो 16 मार्क हो रहे, 3 मार्क के किए तो आपको पता होगा 24 मार्क हो जाएंगे। और सेक्शन डी, ये सेक्शन बी है बच्चों, ये सेक्शन कौन सा है, बी है। ये कौन सा है बच्चों, सेक्शन सी है। और सेक्शन डी में 2 मार्क प्लस 2 मार्क होने वाले थे, मर्ज किया गया गया क्वेश्चन, 2 मार्क थ्योरी का, 2 मार्क न्यूमेरिकल, मर्ज कर दिया, 4 मार्क का क्वेश्चन बना दिए। ऐसे 3 क्वेश्चन होते हैं तो आप लोग देख सकते हैं यहां पे भी 12 मार्क ले सकते हैं बच्चों। ये आपका होगा सेक्शन डी, ओके। अगर आप लोग एडिशन करोगे तो समझ में आया, ये 10 ये 12, ठीक है, 1 कैरी आएगा बच्चों, ये 4 और ये 5, 52। और बाकी रहा सेक्शन ए का जो सवाल बच्चों, अगर आप लोगों को ये सब पढ़ाई करोगे तो इसी से जो नॉलेज गेन करोगे वही नॉलेज आपके काम आएगा। और इजीली मुझे लगता है 18 में से 10-12 नंबर लेना बहुत बड़ी बात नहीं बच्चों, है ना। ये 1 मार्क के क्वेश्चन है, 1-1 मार्क के, तो ये 12 मार्क आ सकते हैं। तो यहां 12 अगर ऐड करोगे तो आपको ये 4 आ रहा है, 30 मार्क प्रैक्टिकल के, 94। कॉन्ग्रेचुलेशन सभी बच्चों को, मिठाई लाना याद से, ठीक है ना। समझ गए क्या बच्चों, कितना इजी यार। बस उम्मीद करता हूँ कि प्रॉपर तरीके से पढ़ाई करना, प्रॉपर प्लान चाहिए तो कमेंट में लिखो कि सर मुझे प्रॉपर एक प्लान बना के दो जिससे हम लोगों का स्कोर ये 94 जो एडिशन दिए ये आना चाहिए। बच्चों हम लोगों ने क्या किया, जो बच्चे चाहते हैं कि यार मुझे कोर्स लेना है, 1 महीने में प्रॉपर तैयारी करना है, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारे ऐड आते हैं, मन नहीं लगता है सर, कम समय में करना चाहते, स्पीड बढ़ा के देखना चाहते हो, तो बच्चों हमने PGMN ऐप पे शौर्य बैच जो रिकॉर्डेड है फॉर रिपीटर के लिए, बच्चों ये जो कोर्स है ये कोर्स आप लोगों के लिए फिलहाल में, यहाँ 1000 दिख रहा है, इससे भी कम मिलेगा। सर कितने में मिलेगा आप देखो, हमने 2000 में कोर्स रखा था, 1000 रुपये 50% डिस्काउंट दिया था, लेकिन यार मैंने सोचा कि यार कम समय बच्चों को और कम किया जाए, क्योंकि बच्चों को भी लगना चाहिए कि यार ये जेन्युइन कोर्स है, है ना। हम लोग कोई भी, मुझे पता है यार रूरल के बच्चे रहते हैं, है ना, पैसे 1000 रुपये भी नहीं रहते, तो इस कोर्स को फिलहाल 25 स्टूडेंट के लिए, कितना, 25 स्टूडेंट के लिए ओनली, पहले जो लेंगे उनके लिए ये कोर्स 600 मात्र 600 रुपये ये कोर्स आपको मिल जाएगा। कितने, पहले 25 के बाद जो स्टूडेंट आएंगे उनको 1000 में एक कोर्स मिलने वाला है। तो देर किस बात की बच्चों, जल्दी से अभी इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, PGMN ऐप को डाउनलोड करना है और इस कोर्स में एनरोल करते हुए एंजॉय के साथ पढ़ना है। इसमें हम लोग लाइव DPP नोट्स देने वाले हैं, इसके अलावा आपके डाउट होंगे तो मुझे कॉल पर बात भी कर सकते हो, मैं थोड़ा सा गाइडेंस भी करूंगा, यह सब चीजें चलती रहेंगी। और उम्मीद करता हूं आप लोग एंजॉय से अच्छी तरह से स्टडी करोगे और अपना स्कोर जो है स्कोर बढ़ाओगे। तब तक करते बाय, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगले सेशन में।